हे गाइस, गुड मॉर्निंग। अभी मैं हूँ भीमताल में। मैं रांची से अपनी कार ड्राइव करके फैमिली के साथ उत्तराखंड घूमने आया हूँ। तो कल हम लोग भीमताल पहुँचे थे और पूरा दिन भीमताल में रहे, और आज सुबह हम लोग यहाँ से कौसानी जाएंगे। तो वेलकम टू न्यू ब्लॉग। और आज के इस ब्लॉग में हम लोग आपको भीमताल से कौसानी तक का रूट दिखाएंगे, और बाकी कौसानी में जो भी हम लोग घूमेंगे फिरेंगे वो सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलो ब्लॉग शुरू करते हैं। भीमताल से निकल रहे हैं कौसानी के लिए, और राइट साइड में भीमताल लेक है। टाइम हो रहा है 8:45, और अकॉर्डिंग टू गूगल हम लोग अल्मोड़ा होकर के जाएंगे, क्योंकि वो रूट अभी ये फिलहाल दिखा रहा है कि कम टाइम लगेगा। अदरवाइज देयर इज अनदर ऑप्शन टू गो वाया रानीखेत। और हम लोग भीमताल बाईपास होकर नहीं जा रहे हैं, ये भीमताल मार्केट होकर के जा रहे हैं, क्योंकि सुबह का टाइम है तो रश नहीं है कुछ खास। तो ऐसा कुछ मार्केट है यहाँ पे, छोटा सा मार्केट है, करीब आधा किलोमीटर होगा। कल हम लोग इधर लंच करने भी आए थे। सुबह सुबह भी दुकानें बहुत सारी बंद हैं। भवाली होके जा रहे हैं, और अभी हम लोगों को कहीं ब्रेकफास्ट के लिए भी रुकना है, क्योंकि हम लोग ब्रेकफास्ट बिना किए ही आज चेकआउट कर गए हैं। और किसी छोटे मोटे ढाबे पर रुकेंगे, अभी चाय पियेंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे। बच्चे भी सुबह से कुछ खाए नहीं है, भूख लगा है लवी? बस 2-3 बिस्किट खाए, बस 2-3 बिस्किट ही खाई है लगी। तो ब्रेकफास्ट करने के लिए हम लोग रुके हैं एक जगह पर, भवाली से करीब 3 किलोमीटर पहले। ये एक हिमानी रेस्टोरेंट करके है, प्योर वेज, जैसा कि मैडम को पसंद है। और सबसे अच्छी चीज़ क्या है, ये काउंटर है, सीटिंग अरेंजमेंट अंदर भी है, और ये देखिए बाहर क्या नज़ारा है। मतलब यहाँ हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे आज, वाओ। आ गया मैं। तो ये गया लवी का और बाबू का मैगी, और वीना का पराठा, और ये आ गया बाकी का। पराठा एकदम सिंपल है, कम मसाला वाला। मैगी टेस्टी है। ये अभी पापा एक बन ऑमलेट भी मिला है। कहने को तो प्योर वेज रेस्टोरेंट है, अंडा भी वेज में ही काउंट होता है। ये अल्टीमेट है। तो खाते तो ब्रेकफास्ट हो गया हम लोगों का, और हम लोग भवाली के पास हैं अभी। और टोटल बिल आया अप्रॉक्सीमेटली 300, और हमने खाया क्या, 3 आलू पराठा था, 1 बन ऑमलेट था, 2 मैगी थी, 2 चाय थी। मतलब प्राइस एकदम डिसेंट है, आलू पराठा तो सिर्फ 40 रुपीज़ का ही था पर पीस। तो टेस्ट भी अच्छा था, आलू पराठा थोड़ा मुझे उतना खास नहीं लगा, बट जो बन ऑमलेट था वो अच्छा था। मैगी कैसा था? बहुत अच्छी, अच्छा मैगी बहुत अच्छा था। तो खाना पीना हो गया, अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं आगे अल्मोड़ा की तरफ।
ये अल्मोड़ा वाला हाईवे है और क्या खूबसूरत नज़ारा है। टेम्परेचर भी अभी 19-20 है। अभी हम लोग कैंची में हैं और कैंची धाम मिल गया तो वीना को बहुत इंटरेस्ट था ये कैंची धाम देखने में, तो हम लोग रुक गए यहीं पर। तो अब हम लोग जा रहे हैं कैंची धाम में, थोड़ा घूम ले, 10 मिनट दर्शन कर ले, फिर आगे बढ़ेंगे। तो ऐसा कुछ नज़ारा है यहाँ पर कैंची धाम में, और बगल में ये एक झरना बह रहा है और उधर पहाड़ी में ऊपर से हम लोग उतर के ऐसे ऐसे करते हुए आए थे, और अभी इधर आगे जाना है और ये झरना इधर नीचे बह रहा है। वीना बच्चों को लेकर के धाम में अंदर चली गई है, उसको बहुत इंटरेस्ट था यहाँ घूमने का, और मैं हस्बैंड होने का फ़र्ज निभा रहा हूँ, इनके जूते चप्पल की रखवाली कर रहा हूँ। तो ये लोग आ जाएँ घूम के, तो उसके बाद हम लोग यहाँ से निकलेंगे। फिलहाल जो है इसका नज़ारा जो है यहाँ का आपको दिखाते हैं थोड़ा बहुत। और अब हम लोग कैंची धाम से आगे बढ़ गए हैं अल्मोड़ा की तरफ, और रोड का अपडेट दे देता हूँ। ये जो रोड है भवाली से आगे बढ़ के जो हम लोग आ रहे हैं, उधर तो थोड़ा कम चौड़ा था बट इधर इसकी विड्थ अच्छी है, दो ट्रक आराम से निकल जा रहे हैं और इस पर एवरेज स्पीड 40 के आसपास चल पा रही है गाड़ी, 40-50 में। और हम लोग लगातार कैंची के बाद से डाउनहिल ही जा रहे हैं और शायद कुछ किलोमीटर्स के बाद फिर से अपहिल जाएंगे। तो ये रोड बहुत अच्छा है, स्मूथ है पूरा, तो आराम से इस पर चला सकते हैं। इनको पहाड़ों में चलाने का ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, वो भी इस रोड पे इजीली ड्राइव कर पाएंगे। पहाड़ से यहाँ पत्थर गिरते रहते हैं, तो रोड का शायद यहाँ पे चौड़ीकरण का भी काम चल रहा है या शायद। हम लोग 15 मिनट से जाम में फंस गए हैं और अभी हम लोग अल्मोड़ा से करीब 22-23 किलोमीटर पहले होंगे। यहाँ रोड के चौड़ीकरण का काम चल रहा है, पहाड़ को तोड़ा गया है शायद, इसलिए अच्छा खासा ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। पहाड़ों में एक्स्ट्रा टाइम लेकर चलना पड़ता है। अगर गूगल A to B पॉइंट जाने के लिए 4 घंटे का समय दिखाए तो आप उसको 6-7 घंटे मानकर चलिए, क्योंकि बीच में आप रुकेंगे भी, प्लस इस तरह का अनएक्सपेक्टेड ट्रैफिक जाम अक्सर लगता ही रहता है। सीमा प्रारंभ जनपद अल्मोड़ा, दैट मीन्स अभी तक हम लोग नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में ही थे, डिस्ट्रिक्ट में, और यहाँ से अल्मोड़ा है 13 किलोमीटर, मतलब आधे घंटे, और यहाँ से पहाड़ी पर चढ़ाई शुरू। अल्मोड़ा की हाइट आई थिंक 1600 से 1700 मीटर है अबव सी लेवल, और कौसानी की 1900 के आसपास है अप्रॉक्स। गाइज हम लोग ऑलमोस्ट अल्मोड़ा पहुंच चुके हैं और क्या खूबसूरत नज़ारा है, मतलब पहाड़ों पे एकदम ये पाइन्स की ट्री हैं और एक तरफ एकदम खाई है, और अच्छा खासा हाइट पर हम लोग आ गए हैं, और
इधर टेम्परेचर भी अब थोड़ा सा नीचे हो गया, 24 डिग्री दिखा रही है गाड़ी के MID पर। और अल्मोड़ा टाउन अभी आया नहीं है, अभी आगे आएगा तो आपको थोड़ा सा टाउन भी दिखाते हैं। फिर हम लोग NH 109 पर कंटिन्यू करेंगे टुवार्ड्स कौसानी। ये देखिए क्या मिल गया। अब जब पहाड़ों में घूम रहे हैं तो RO का पानी क्यों खरीदें हम लोग चापाकल का पानी जो है वो भर रहे हैं। ये भी ट्राई करके देखते हैं, साफ ही होना चाहिए। बाकी हम लोग अल्मोड़ा क्रॉस कर चुके हैं, कौसानी यहाँ से अभी भी 45 किलोमीटर्स है। फ्रेश, मजा आ गया, ठंडा ठंडा पानी। चलो, टाइम हो रहा है 1 PM। हम लोग जब 8:45 में निकले थे भीमताल से, तब गूगल अप्रॉक्सीमेट अराइवल टाइम 12:15 दिखा रहा था। और रास्ते में हम लोग इतना रुके कि अब जो है अराइवल टाइम जो है वो 2:20 दिखा रहा है। मतलब गूगल जितना टाइम शुरू में दिखाया था उससे 2 घंटे ज़्यादा ऑलरेडी हो चुका है। पर इसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि अभी भी हम लोग 2:20 में पहुँच ही जाएँ। तो पहाड़ों में यही है, क्योंकि हम लोग यहाँ के रहने वाले नहीं हैं, टूरिस्ट हैं, तो भाई घूमने आए हैं तो रुक रुक के चलेंगे तो जाहिर सी बात है 4 घंटे की जगह 6 घंटे लगेंगे ही लगेंगे। फिलहाल हम लोग फिर से ऊपर चढ़ रहे हैं, कोसी एकदम डाउनहिल था और अब कौसानी की तरफ जा रहे हैं। कौसानी यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली 33 किलोमीटर और है। तो हम लोग अब पहुंच गए हैं सोमेश्वर टाउन, और इधर सड़क बहुत अच्छी मिली है पिछले 8-10 किलोमीटर में। और थोड़ा सा आपको टाउन दिखा दें, छोटा सा प्यारा सा टाउन है। हम लोग टाउन के बीचों बीच निकल रहे हैं और यहाँ से अभी कौसानी और करीब 13-14 किलोमीटर्स है। अभी गाड़ी जो है ना वो राइट साइड में जो नाली होती है उसमें चली गई थी बस को साइड देने में, तो इधर से थोड़ा सा पार्ट जो है वो क्लिप वगैरह नहीं थे, तो वो जो मड गार्ड होता है वो बाहर आ गया था। तो खैर इतना छोटा मोटा काम तो आता है, मैंने वो लगा दिया है। क्लिप मैं जाके बाद में कहीं पर हुंडई से लेकर के लगा लूँगा। अब हाथ धोते हैं और हाथ धो के चलते हैं। तो रोड ट्रिप पे छोटा मोटा इस तरह का एक्सीडेंट होता रहता है, एक्सीडेंट नहीं करना चाहिए इसको, इंसिडेंट है और ऐसा कुछ खास नहीं है प्रॉब्लम। चलते हैं अब। हम लोग अब कौसानी पहुंचने वाले हैं। कौसानी अब यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली और 2 किलोमीटर है और धीरे धीरे पहाड़ पर ऊपर चढ़ रहे हैं। जैसे जैसे ऊपर चढ़ रहे हैं टेम्परेचर कम होता जा रहा है। नीचे 27 था, फिर 25 हुआ, 24, अभी 23 डिग्री दिखा रहा है। शायद और ऊपर जाने पर 20 तक भी हो जाए। तो गाइज हम लोग कौसानी पहुंच गए हैं और हमारा जो स्टे है वो KMVN के गेस्ट हाउस में है। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करता हूं। अगर आपको मेरे ब्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं तो आप बेझिझक सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।